सुदन जी नमस्कार, क्या मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? शशि रंजन अनिका, मेरी आवाज़ एक बार बता दे कोई कि पहुंच रही हो अगर आप तक। चलिए, बहुत अच्छा, आप सबका स्वागत है इस टीचर एजुकेशन ऑफ इंडिया के इस पेज पर। डॉक्टर सोमू जी बहुत ही कुशलता से इसको मैनेज करते हैं और हम सबको यहाँ पर अपनी अपनी बात शेयर करने का कुछ अवसर मिल रहा है, तो सोमू जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। मैं सोमू जी का ही इंतज़ार कर रहा हूँ कि सोमू जी जब कहें तो हम अपनी बात शुरू करें। आवाज़ आ रही है, मैं निश्चिंत हुआ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग निश्चिंत भाव से बैठे होंगे। असल में थोड़ी तकनीकी इनिशियल फंबलिंग हो रही थी, मैं कोशिश कर रहा था कि लैपटॉप पर करूं पर कुछ दिक्कत आ रही थी और फिर अंततः मुझे मोबाइल की शरण में आना पड़ा। फिर अगली बार कभी और सोमू जी से मैं पूछूंगा। प्रशांत जी, रंजन जी, आप सब उपस्थित हैं, ये वह भाग्य हमारा गर्मी की इस दोपहरी में। वर्धा में गर्मी थोड़ी और पड़ रही है ज़्यादा, और खैर अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगह पर जहाँ हैं हम सभी सुरक्षित रहें। सोमू जी, जब आप कहें तो मैं प्रारंभ कर दूँ। हाँ, राय साहब भी दिखाई दे रहे हैं। आप सबको नमस्कार, आप सबको नमस्कार। बड़ा अच्छा लग रहा है कि दोपहरी में आप सब एकत्रित हैं। बहुत बढ़िया, अब सोमू जी ने इंगित किया है कि अपनी बात शुरू करें। पुनः एक बार मैं नमस्कार करते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। जब यह बात मन में आई कि किस विषय पर बोलना है और शिक्षा शास्त्र में जो हम सभी अध्येता गण हैं उसमें यह जो विषय है, जो टॉपिक मैंने लिया है ज्ञान और शिक्षा, इस पर बोलने के लिए, तो यह विषय ऐसा है जो बिल्कुल ही सभी इससे परिचित हैं। इन दो शब्दों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कि कुछ नया सा लगे, कुछ नई बात सुनने की हम आशा रखें। ज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि जब से मनुष्य ने सोचना शुरू किया होगा तब से, और ज्ञान शब्द की संकल्पना अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शब्दों के रूप में इस संकल्पना को जब से जाना जाने लगा होगा, तो यह बहुत ही सरलतम, सहजतम रूप से समझी जाने वाली चीज है, संकल्पना है। परंतु इसमें जटिलता भी है, उस जटिलता की ओर हम लोग नहीं जाते हैं। अक्सर हम ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान के बाद हम शिक्षा की बातें करते हैं, और ज्ञान शब्द की उतनी मीमांसा दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र, इन दो विषयों के अध्येताओं को अगर हम छोड़ें तो बाकी सब जरूरत नहीं महसूस करते कि ज्ञान शब्द को क्या करना। ज्ञान तो ज्ञान है और ज्ञान को लेकर के संघर्ष भी चलता रहता है। मैं ज्ञानी हूं, वो ज्ञानी नहीं है, वो बहुत अधिक ज्ञानी है भाई, वो अपने को बहुत ज्ञानी समझता है,
इत्यादि इत्यादि। तो ज्ञान शब्द का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब हमारे लिए शिक्षा शास्त्र के अध्येताओं के लिए थोड़ा सा यह आवश्यक होता है इस विषय पर चर्चा करना कि ज्ञान ये जो संकल्पना है इसे हम किस रूप में समझें और किस रूप में इसको व्यक्त करें, और जब हम व्यक्त करते हैं, जब हम समझते हैं इस संकल्पना को, तो कदाचित हमारी भी अवधारणाएं बदलती हैं इस शब्द के प्रति, इस संकल्पना के प्रति। भारतीय परंपरा में या पाश्चात्य जगत की जो ज्ञान की विधाएं हैं और परंपराएं हैं, उनमें ज्ञान को लेकर के तरह तरह से परिभाषित करने की कोशिश की जाती रही है आदिकाल से, प्रारंभ से आज तक। मुझे नहीं लगता, आप सभी इस विषय को पढ़ने वाले अध्येतागण हैं, मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा हो कि हाँ ये अंतिम परिभाषा है ज्ञान की, इसे ही अब सर्वमान्य माना जाए। अब ज्ञान है क्या? हमारे शास्त्रों में, हमारी भारतीय परंपरा में विद्या, विद्या के नाम से सा विद्या या विमुक्ता, ये विद्या वह है, ज्ञान वह है जो हमें मुक्त करती है। मुक्त किस चीज से करती है? अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करती है, पूर्वाग्रहों के अंधकार से, पूर्वाग्रहों के बंधनों से हमें मुक्त करती है यह विद्या, यह ज्ञान हमें मुक्त करता है। अलग अलग क्षेत्रों में, अब जब हम ज्ञान की बात करते हैं, पाश्चात्य जगत में भी, भारतीय परंपरा में भी, तो एक सर्वमान्य अगर हम नहीं भी कहें तो भी अधिकांशतया लोगों का एक मानना है ज्ञान को परिभाषित करने की। जब चेष्टा करते हैं लोग तो ज्ञान को कहते हैं कि भाई ज्ञान है क्या? तो ज्ञान सत्य प्रमाणित विश्वास है, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है। यानी कि अगर हम किसी चीज के बारे में कहते हैं कि हमें ज्ञान है, तो वह ज्ञान ऐसा हो, उसके लिए यह तीन शर्तों का होना आवश्यक माना जाता है। एक तो यह कि वो सत्य हो, दूसरा यह कि वो जस्टिफाइड हो, न्यायोचित हो, उसका औचित्य भी हो, प्रमाण भी उसका उपलब्ध हो, और फिर यह प्रमाण उस सत्य की बात जो हम कह रहे हैं उसका प्रमाण भी उपलब्ध हो, औचित्य पूर्ण हो, और फिर हमारा विश्वास हो। यानी कि जो व्यक्ति यह मानता है उसका उसमें विश्वास भी होना चाहिए, यह आवश्यक है। हम किसी बात को कहते हैं ज्ञान, तो ज्ञान सत्य हो, औचित्य पूर्ण हो, प्रमाण उसके उपलब्ध हो, और उसमें हम सबका विश्वास भी हो। अब ये बातें, मैं इसको बहुत जटिल शब्दावली की ओर नहीं ले जाना चाहता हूँ, वो दर्शन की अनावश्यक गूढ़ बातों में पढ़कर कई बार हम ज्ञान शब्द की जो संकल्पना है उससे धीरे धीरे विमुख होने लगते हैं। तो बहरहाल, हम सब मानव जगत के इतिहास में, मानवीय सभ्यता के इतिहास में निरंतर, जैसे जैसे आदिम युग से संगठित समाज के रूप में मनुष्य ने अपना जीवन यापन प्रारंभ किया, तो निश्चित रूप से उसे कुछ अनुभव जन्य ज्ञान भी हुए, और उन अनुभव जन्य ज्ञानों के आधार पर उसने भविष्य के लिए योजनाएं बनानी शुरू की। घर बनाए, कृषि कार्य प्रारंभ किया, पहले वो बंजारों की तरह इधर उधर नोमेड की तरह भटकते थे, तो वो भटकना छोड़ करके उन्होंने अपने लिए प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, मौसम की बेरुखी से, मौसम के कष्ट से बचने के लिए अपने लिए आवास की व्यवस्था करनी प्रारंभ की। पहले जहाँ जो मिलता था उसे वृक्षों से फल तोड़ करके खा लिए, जहाँ कुछ मिला वो खा लिया, कोई जानवर मिला उसका शिकार करके खा लिया। धीरे धीरे जब एक जगह रुककर जीवन यापन करने की संकल्पना विकसित हुई, तो फिर उन्होंने संचय करना प्रारंभ किया। अब अनाज का संचय होगा तो फिर लालसा यह बढ़ेगी कि कृषि की जाए, और कृषि करने के लिए फिर उससे संबंधित ज्ञान, किस मौसम में कौन सी खेती हो सकती है, क्या फसल उपजेगी, किस फल से हमें लाभ होगा, कौन सा जहरीला पदार्थ है उसे नहीं खाना चाहिए। हजारों वर्षों के लंबे अनुभव के बाद वर्तमान में जो हमारे समक्ष अभी
सूचनाओं का, ज्ञान का भंडार है, वह हजारों लाखों वर्ष की मनुष्य की जीवन यात्रा का ही परिणाम है। अब थोड़ा और जब आगे बढ़े और जीवन ने अधिक व्यवस्थित होकर के जब पेट की भूख से ऊपर उठ करके मन चिंतन करने की दिशा में और अधिक कार्य करने लगा, तब विवेचनाएं शुरू हुई। और वो विवेचनाएं शुरू जब हुई तो फिर परिभाषित करने की प्रक्रियाएं शुरू हुई, और फिर यह भी हुआ कि भाई कौन सा ज्ञान बढ़िया, ज्ञान है तो क्या है, और फिर किस प्रकार का ज्ञान हमारे लिए क्या हम बढ़िया मानेंगे। अक्सर सभी अपने अपने ज्ञान को ही बेहतर बताने की होड़ में लगे रहे, अभी भी लगे रहते हैं। इनफैक्ट जितने लोग हैं, शिक्षाविदों में देख लीजिए, विचारकों में देख लीजिए, आपस में देख लीजिए, पहले के ज़माने में भी शास्त्रार्थ हुआ करते थे। अब आजकल शास्त्रार्थ की परंपरा तो रही नहीं, पर अलग अलग फोरम पर या अलग अलग माध्यमों से उसे अपनी बात को सिद्ध करने की एक प्रैक्टिस तो है ही, अकादमिक जगत में भी है, अपने आम जीवन में भी है यह चीज। तो फिर ये हुआ कि ज्ञान की जो परंपरा है इसमें दो बातों पर मुख्यतः, अगर हम देखें बहुत ज्यादा इसको और जटिल ना करें, तो दो भाग में इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक तो है जो तर्कवाद, रैशनलिज्म जिसे बोलते हैं, और दूसरा है अनुभववाद। जो तर्कवाद से संबंधित विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनका यह मानना है कि ज्ञान तो वही उपयुक्त है जो कि रीजनिंग से उत्पन्न होता है, मानसिक क्रियाओं से उत्पन्न होता है, मानसिक क्रियाओं के तर्क, चिंतन, मनन, इसके परिणाम स्वरूप जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जिस ज्ञान का हम सृजन करते हैं, वही ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है, वही ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है। अब प्रामाणिक शब्द है, उस पर मैं अभी आगे आऊंगा। प्रामाणिक जिसका प्रमाण हो, तो उस प्रमाण के लिए भी फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको, अपनी बात को स्थापित करने की चेष्टा की है। दूसरी तरफ जो रैशनलिस्ट्स रहे, रैशनलिस्ट थिंकर्स रहे, तर्कवादी रहे, उसमें सुकरात, हम पाश्चात्य जगत के लोगों में अगर देखें तो सुकरात का, प्लेटो का, इन सब का हम अपनी किताबों में पढ़ते आए हैं। ये सबसे सहज है, जो हमें प्रारंभ में ही शिक्षा शास्त्र के अध्ययन के दौरान इन नामों की गुट्टी पिलाई जाती है, इन नाम से हमें अवगत कराया जाता है। भारतीय परंपरा में अगर हम देखें तो कदाचित ये जो पाश्चात्य जिन विचारकों को हम पढ़ते हैं, कदाचित उससे भी प्राचीन इतिहास हमारी भारतीय परंपरा का, भारतीय चिंतन का रहा है। ऋग्वैदिक काल से ही हम लें, ऋग्वेद भारतीय परंपरा का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, और उसके बाद में अलग अलग जो दर्शन की विधाएं रही है उसमें भी हम देखते हैं कि ज्ञान को परिभाषित करने की जो परंपरा रही है, तो उसमें यह प्रत्यक्ष अनुभव से परे चिंतन, पारलौकिक ज्ञान, वह श्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। और उस पारलौकिक ज्ञान के लिए फिर अलग अलग तरीके से लोगों ने अपनी अपनी बात भी रखी है, अपनी अपनी बात को तर्कों से स्थापित करने की कोशिश भी की है। अनुभववाद, अनुभववाद जो दूसरी धारा है ज्ञान को मानने की, ज्ञान को, उस ज्ञान को श्रेयस्कर मानने की, उसका यह मानना है कि जो ज्ञान हमें अपने अनुभवों से प्राप्त होता है, हमारे इंद्रियानुभव से जो प्राप्त होता है ज्ञान, उसे ही हम ज्ञान मानते हैं, उसे ही ज्ञान हमें मानना चाहिए। एम्पिरिसिज्म, इसके विचारक सुकरात और प्लेटो पाश्चात्य जगत में हम माने, और हम फिर उनके जो शिष्य हैं अरस्तु की बात करते हैं, तो अरस्तु फिर इस श्रेणी में भी आते हैं जो कि अनुभव पर भी विश्वास रखते हैं। हालांकि उसके आगे एम्पिरिसिज्म में नए समय में 18वीं 19वीं सदी में अगर हम देखें, 20वीं सदी 19वीं सदी में, इन सब में जब हम देखें तो लॉजिकल एम्पिरिसिज्म का भी बहुत बोलबाला रहा पाश्चात्य जगत में। वहीं अपने यहाँ भारतीय परंपरा में अगर हम देखते हैं तो हमारे षड दर्शनों में, षड दर्शनों में जैसे वेदांत दर्शन है, वह अद्वैत वेदांत विशेषकर शंकर का, वह उस ज्ञान की बात करता है जो हमें निश्चित रूप से मानसिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप, मानसिक चिंतन के परिणाम स्वरूप मिलता है, प्राप्त होता है।
और दूसरी तरफ सांख्य है, वैशेषिक है, जो कि प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष यानी कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभवों से और उसके बाद हम जो इन्फेरेंस निकालते हैं उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान ही श्रेयस्कर ज्ञान है, ऐसा माना जाता रहा है। और भी अलग अलग विचारक रहे हैं, एक दर्शन की अन्य परंपराएं चार्वाक दर्शन है, इसकी चर्चा भी कहीं और किसी जगह करेंगे हम। तो कुल मिलाकर के बात यह होती है कि एक तो ज्ञान की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए जब विचारक आपस में अपनी अपनी बातों को रखते हैं तो उसमें एक तो बात होती है यह कि ज्ञान कैसा ज्ञान बढ़िया, तो वह ज्ञान जो सोचने से, चिंतन करने से, मनन करने से हमारे मन में उत्पन्न हो, संश्लेषण हम मन में ही करें, एनालिसिस तो निश्चित रूप से एक मानसिक प्रक्रिया ही है। यद्यपि पाश्चात्य जगत में ही एक और विचारक हुए इमैनुअल कांट, जिन्होंने कि इन दोनों के बीच में एक सेतु बांधने का कार्य किया और उनका एनालिसिस और सिंथेसिस इन दोनों को उन्होंने रख करके ज्ञान की स्थापना करने की कोशिश की। कहीं एक जगह वह लेकिन ऐसा भी मानते हैं कि मनुष्य उन्हीं चीजों का अवलोकन कर सकता है जो सिंथेटिक जजमेंट पर पहुंचता है, उन्हीं चीजों का जो कि उसके कॉग्निशन में, उसके कॉग्निटिव लेवल में वह सक्षम है जितना कर पाने में। अब ये वाक्य जो है कहीं ना कहीं एक भाव यह भी देता है कि इसका मतलब मनुष्य जितना देख पाता है, जितना महसूस कर पाता है, यह जगत कदाचित उससे भी बियॉन्ड है। यद्यपि शंकर से 1000 वर्ष, लगभग 1000 वर्ष के बाद में इमैनुअल कांट का जन्म होता है, तथापि शंकर की यह अवधारणा जो थी ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, तो यह जगत मिथ्या वह भौतिक संसार के बदले शंकर उस संसार पारलौकिक ज्ञान को प्राथमिकता देते रहे जो कि सहज आम आदमी की अनुभूति से परे है, उसके लिए कठोर साधना की आवश्यकता है, गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है, गंभीर मनन की आवश्यकता है। तो ऐसा ज्ञान, अब ये ज्ञान की ये दो परंपराएं जो रही है कि चिंतन करने से हमें ज्ञान होगा, सिर्फ बैठें चिंतन करें, विचार विमर्श करें, सोक्रेटिक डायलॉग की परंपरा रही है। दूसरा ज्ञान वह कि नहीं, करके सीखना है, और हम जो करते हैं, हम जो प्रैक्टिस करते हैं, उस प्रैक्टिस के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान माना जाएगा। कई लोग इसमें भारतीय जगत में, भारतीय परंपरा, हम सब क्या कहें, आप सभी शिक्षा शास्त्र के अध्येतागण हैं, आपने देखा भी होगा कि संयोग कुछ ऐसा रहा है, पता नहीं क्यों, चर्चा भी करते हैं इसकी, कि जब भी हम इन चीज़ों की संकल्पनाओं को पढ़ने की चेष्टा करते हैं तो हमारे समक्ष में उस भूमि से लाई हुई विचारधाराओं को सबसे पहले रखा जाता है जिस भूमि के हम वासी नहीं हैं, जिस भूमि के हम निवासी नहीं हैं। मैं उदाहरण के तौर पर एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। शिक्षा शास्त्र के सभी अध्येतागण यह जानते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को पढ़ने के दौरान आपने पढ़ा होगा लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, यानी कि सीखते हैं हम करके, अपने अनुभवों से सीखते हैं। पता नहीं आप सबको नाम लेने की ज़रूरत नहीं, जिस पाश्चात्य विचारकों के माध्यम से ये सब बातें हमने पढ़ी है। दुर्योग ऐसा भी रहा है कि मनोविज्ञान की पुस्तकों में अभी तक, आप सब सहमत होंगे मुझसे कि भारतीय विचारकों के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और साइकोलॉजिकल थियरीज वगैरह कहीं दिखाई नहीं देते, और हम अभी तक जो पढ़ते हैं वो सभी मनोविज्ञान, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पाश्चात्य जगत में ही मनोविज्ञान का सृजन हुआ, और अभी तक मनोविज्ञान में ऐसा कोई स्थापित ज्ञान हमें किताबों में नहीं दिखाई दे रहा जो कि हम यह कहें कि नहीं यह भारतीय परिवेश में निकला हुआ सिद्धांत है। बहरहाल हम लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उद्धरण देता हूँ, छोटी सी एक कथा के माध्यम से। छांदोग्य उपनिषद में एक कहानी है गौतम ऋषि की और सत्यकाम जाबाल की एक कहानी है। जाबाला नाम की एक महिला थी जो नगर सेविका थी, और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था सत्यकाम। सत्यकाम जब बड़ा हुआ
तो उसकी इच्छा हुई कि वो विद्या प्राप्त करे, विद्यार्जन करे। तो सत्यकाम ने अपनी माता से अनुमति मांगी कि माता, मैं गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर के ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। माता ने कहा कि जाओ। और जब सत्यकाम गौतम ऋषि के आश्रम में पहुँचा, तो जैसा अभी भी होता है, हम विद्यालय में बच्चे का नाम लिखवाने जाते हैं तो वहाँ पर उससे नाम, पिता का नाम, पूरी हिस्ट्री पूछी जाती है। तो वहाँ पर भी ऋषि ने सत्यकाम से उसका गोत्र पूछा। अब सत्यकाम को अपने पिता का नाम मालूम नहीं था, उसकी माता नगर सेविका थी और उसकी अपनी एक अलग परिस्थिति थी उस समय की, उसकी विवेचना हम अभी नहीं करते हैं। पर सत्यकाम ने गुरु को कहा कि हे ऋषिवर, मुझे अपने पिताजी का नाम मालूम नहीं है, मैंने अपने पिता को कभी देखा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अपनी माता से पूछ करके आओ। तो सत्यकाम जाता है, अपनी माता से यह पूछता है, तो उसकी माता ने कहा कि भाई देखो, यथार्थ यह है कि मुझे भी तुम्हारे पिता का नाम मालूम नहीं है, परंतु तुम जाओ ऋषि के पास और ऋषि को कहना कि मेरा नाम सत्यकाम जाबाल है और मैं जाबाला नाम की महिला का पुत्र हूँ और मेरी माता को भी मेरे पिता का नाम नहीं मालूम है। तो सत्यकाम जाता है और फिर जाकर के गुरु को यही बातें बताता है। अब गुरु सत्यकाम की बातों से, सत्य से इतने प्रभावित होते हैं कि उन्होंने तुरंत उसको आश्रम में प्रवेश दिया। ये कहानी उसके आगे की है जो मैं अभी आपसे साझा करना चाहता हूँ। आप में से कई लोग मेरे छात्र भी हैं, यहाँ पर सुन भी चुके होंगे। मुझे बड़ा ही आनंद आता है इस कथा को साझा करते हुए। तो जब वो जाता है और संविधा लेकर के, जो परंपरा थी कि उसके बाद दीक्षा आरंभ होना है, शिक्षा का प्रारंभ होना है, तो सत्यकाम जब गुरु के पास पहुंचा तो ऋषि ने उसे 250 गायें दी जो दुर्बल थी, बीमार थी, और कहा कि तुम इसे लेकर के जंगल चले जाओ और मेरे पास तब लौट करके आना जब ये 1000 हो जाए, ये गोवंश 1000 गायों में, बछड़ों में परिणत हो जाए, तब तुम लेकर के इसे आना। सत्यकाम जाता है जंगल में 250 गोवंश के साथ, और फिर आप समझिए कि वो 250 से 1000 गायें कब होती हुई होंगी, 1000 गायें या बछड़े, पूरा गोवंश। और जब वो स्वस्थ हो गए, उस गोवंश के सभी सदस्य और 1000 की संख्या हो गई, तब सत्यकाम लौट करके आश्रम में आता है और संविधा की लकड़ी लेकर पुनः अपने गुरु के पास जाता है कि गुरुवर, आपके आज्ञानुसार ये 250 गोवंश अब 1000 में परिणत हो गए, अब मुझे शिक्षा प्रदान करें। तो गुरु कहते हैं कि सत्यकाम, तुम्हारी शिक्षा अब पूर्ण हो गई। अब सत्यकाम भी हैरान होता है, परंतु गुरु ने कहा कि तुम अब शिक्षा प्राप्त कर चुके हो, अब तो ये अंतिम चरण है तुम्हारी शिक्षा का। अब ये इसको जरा समझने की चेष्टा करें हम लोग कि सत्यकाम को गुरु ने किस प्रकार की शिक्षा दी। गुरु ने कहा कि तुम 250 गोवंश को लेकर के वन में जाओ और इसे 1000 में परिणत करके लाओ, स्वस्थ करके लाओ। उस पूरी प्रक्रिया के दौरान सत्यकाम ने क्या क्या सीखा होगा, गायों को, गोवंश को खिलाने का, वनस्पति का ज्ञान उसे प्राप्त हुआ होगा, जीव विज्ञान की का ज्ञान उसे हुआ होगा, प्रजनन विज्ञान का ज्ञान उसे प्राप्त हुआ होगा, मौसम विज्ञान का ज्ञान उसे प्राप्त हुआ होगा, कृषि का ज्ञान उसे प्राप्त हुआ होगा। और यह सब ज्ञान जब उसे प्राप्त हो रहा था, तो वो कथा अलग है कि उसे कैसे प्राप्त हुआ, क्या क्या किया उसने, मगर जरा यह सोचिए कि ये जो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस की हम बात करते हैं, हमारे पास में थॉर्नडाइक और तमाम बिहेवियरिस्ट जो मनोविज्ञानी हैं, उससे 1000 साल पहले हमारे पास ज्ञान की यह विधा भी रही है भारतीय ज्ञान परंपरा में, परंतु कदाचित हम सभी इसको नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, उसका विवेचन नहीं कर पाते, विश्लेषण नहीं कर पाते कि हम किन किन चीजों से सीखते हैं, कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अनुभवाश्रित ज्ञान है यह, अनुभव जन्य ज्ञान है यह, अपने अनुभवों से उसने ज्ञान प्राप्त किया सत्यकाम ने।
मैं इस विवेचन में भी नहीं पड़ना चाहता, समाज के विचारकों का एक वर्ग कई बार इन चीजों को झुठलाने की भी चेष्टा करता है। मैं कहता हूं हे प्रभु आप इसे झुठला दीजिए, परंतु किसी ने, मानो वह व्यक्ति नहीं रहा होगा, परंतु किसी ने यह कहानी तो लिखी। मैं थोड़ी देर के लिए उनके ही साथ खड़ा होकर के इसे देखने की कोशिश करता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिस किसी ने यह कहानी लिखी होगी उसके मन में क्या चल रहा होगा। तो फिर हम सिर्फ इस आधार पर कि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इसका कोई ये नहीं है, इतिहास क्या है, इतिहास प्रमाणित इतिहास होना चाहिए, इसलिए चलो विज्ञान की शाखा को खत्म ही कर दो, मेकाले आते हैं और फिर अपने पिता को पत्र लिखते हैं कि भाई ये भारतीयों का जो ज्ञान है यह तो आलमारी के एक सेल्फ में भी रखने लायक नहीं है, उससे भी कम है। तो ज्ञान को झुठलाते रहने की भी परंपरा रही है लंबी, परंतु हमारे समक्ष ये चीजें संयोग से अभी भी बची हुई है। हजारों वर्षों तक तमाम आक्रांताओं आतताइयों के इन सब हमारी ज्ञान परंपरा को नष्ट करने के निरंतर होते रहे प्रयास के बावजूद बहुत सी बातें अभी भी हमारी परंपरा में बची रही है और हमें उससे भी सीखने की जरूरत है कि किन किन चीजों में ज्ञान है। और ज्ञान हमारी परंपरा में ये रैशनलिस्ट थिंकिंग, एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस, ये दोनों हैं। शंकर हमारे समक्ष हैं, हमारे समक्ष गौतम ऋषि हैं जो कि सत्यकाम को अनुभव से ज्ञान प्राप्त करने के लिए वन में भेजते हैं, जंगल में भेजते हैं। हमारे समक्ष में आप देखेंगे कि रैशनलिस्ट थिंकिंग में अगर आप कहेंगे तो जितने हमारे सामने, हम सुकरात के डायलॉग को पढ़ते हैं, निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, सुकरात भी ज्ञान की का भी जब विमर्श होता है तो एक अत्यंत प्रबुद्ध विचारकों में से है, निश्चित रूप से एक स्थापित मान्यता रही है उनके विचारों की और हम सब पढ़ करके अपनी एक समझ विकसित करते रहे हैं, उनका साधुवाद। परंतु वो डायलॉग जिसमें कि सुकरात और मेनो आपस में संवाद करते हैं और ज्ञान के अलग अलग प्रश्नों पर विवेचना करते हैं, उस डायलॉग से पहले हमारे ज्ञान की परंपरा में श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद है। जब हम ज्ञान को परिभाषित करते हैं तो ज्ञानी कौन है इसकी भी स्थापना करते हैं कृष्ण वहां पर। स्थित प्रज्ञस कदोच्यते, स्थित प्रज्ञस क्या भाषा, स्थित प्रज्ञस कदोच्यते, कौन है जिसकी बुद्धि, जिसकी प्रज्ञा स्थिर मानी जाए, संतुलित मानी जाए। ज्ञान अपने आप में कुछ नहीं होता, अगर ज्ञान को धारण करने वाले व्यक्ति के व्यवहार में वो चीजें सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती वह ज्ञान निरर्थक होता है। हम इसकी चर्चा भी करेंगे कि वो ज्ञान फिर वैलिड नॉलेज, जब हम ज्ञान मीमांसा करते हैं तो उस वैलिडिटी की बात जब हम करते हैं, वैध ज्ञान या श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेयस्कर ज्ञान, कौन सा ज्ञान। निश्चित रूप से अगर परमाणु ऊर्जा का अनुसंधान करने वाला व्यक्ति ज्ञानी रहा तो क्या उस ज्ञान का प्रयोग जब हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ तो हम कहेंगे कि वह ज्ञान श्रेयस्कर था हमारे लिए। यह हमारे लिए विचार का विषय है कि फिर हम किस प्रकार के ज्ञान को ज्ञान कहें और कौन सा ज्ञान वास्तव में हमारे लिए श्रेयस्कर है, इसकी चर्चा हमें करनी ही होगी। कदाचित आपको लगता हो कि ये दर्शन शायद ऐसा ही विषय है जो कि अनावश्यक इधर उधर विचलन पैदा करता रहता है, परंतु मैं यही आग्रह करूंगा कि मैं पुस्तक से हट करके यूं ही ये बातें, क्योंकि पुस्तकों में तो बाकायदा टॉपिक, सब टॉपिक और यह सब चीज़ें जो है वह एक तरीके से लिखी हुई है और वो ज्ञान उपलब्ध है। मैं इस पर आता हूँ, पाश्चात्य और भारतीय दर्शन में ज्ञान के माध्यम के बारे में क्या कहा गया है, अभी इसकी चर्चा भी करते हैं हम लोग। मैं तो अभी सिर्फ यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्ञान की जो परंपराएं रही है उस परंपराओं में एक तो रैशनलिस्ट थिंकिंग और एम्पिरिकल एक्सपीरियंस, इन दोनों का एक, दोनों की शाखा रही है, दोनों में मानने वालों का एक बहुत ही लंबा कालक्रम रहा है और उस कालक्रम में जितने भी विचार निकले हैं इनफैक्ट सभी मानने योग्य हैं, अपनाने योग्य हैं। हम यह देखें कि किस परिस्थिति में, किस काल में कौन सा ज्ञान हमारे लिए उपयोगी है,
यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है समझना इस चीज को, अन्यथा ज्ञान का तो विस्फोट सा हुआ है अभी, और उस ज्ञान के विस्फोट में अभी अगर हम इंटरनेट पर देखें, इंटरनेट पर सूचनाओं का भंडार है, पर उन सूचनाओं में से ज्ञान का सृजन हम कितना कर सकते हैं और कौन सा किस प्रकार का ज्ञान हमारे लिए मानव जीवन के लिए उपयोगी है, यह देखने की जरूरत है। तो खैर हम आते हैं इस पर पुनः लौट करके कि ज्ञान की उसी परम मान्यता पर कि ज्ञान वही जो कि सत्य हो, जिसका प्रमाण हो, जिसमें विश्वास हो। प्रमाण उसके औचित्य को सिद्ध करता है। अब औचित्य क्या है, कौन सा जस्टिफाइबल होगा, हम किस सत्य को सत्य माने, किस जस्टिफिकेशन को हम उचित माने। विश्वास तो ठीक है, विश्वास तो किसी में भी हो जाता है, कई बार लोग अफवाहों में भी विश्वास कर लेते हैं, पर जब हम कहते हैं कि ऐसा ज्ञान जो जस्टिफाइबल हो, तो किस प्रकार का जस्टिफिकेशन, किस प्रकार का औचित्य, और क्या औचित्य सदैव एक ही होता है, क्या औचित्य किसी काल खंड में, समय में, किसी स्थान विशेष में जैसा होता है वैसा ही दूसरी जगह होता है, सार्वभौमिक सार्वकालिक। तो यह बड़ा ही गूढ़ ये मसला है कि हम उचित जब शब्द का प्रयोग करते हैं, जस्टिफाइबल कहते हैं, तो कब जस्टिफाइबल, किस रूप में जस्टिफाइबल, ये बड़ा संकट है। और इसको लेकर के ही सदैव विवेचना होती रही है। वो काल था जबकि सोक्रेटिक तरीके से ज्ञान का विश्लेषण किया जाता था, शास्त्रार्थ होते थे उस समय में भी, और वाद विवाद और उन सब में जो श्रेष्ठ माना जाता था उसी को स्थापित कर देते थे। सुकरात के काल से पहले राजा जनक, विदेह के जो राजा हुए, उनके दरबार में भी शास्त्रार्थ की बड़ी लंबी परंपरा रही है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, कभी खास करके हमारे जो विद्यार्थी हैं, अध्येतागण हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि मौका मिले, आजकल ये सारी चीजें इंटरनेट पर उपलब्ध है, कभी आप देखिए। जब आप दर्शन को सिर्फ इस तरह से बांट करके देखते हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, आप इतने में ही अगर समझना चाहते हैं इतने में समझिए, लेकिन ज्ञान यथार्थ और मूल्य, इसके बारे में भारतीय परंपरा में क्या क्या कहा गया है। आप यम नचिकेता का संवाद पढ़िए कभी, यमराज और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में बड़ा ही महत्वपूर्ण उद्धरण है, और तत्वमीमांसा का, आत्मा का, उससे बड़ा और कोई दृष्टांत आपको मिले ना मिले। एक गीता में कृष्ण अर्जुन संवाद में वह बात दिखाई देती है, आत्मा के बारे में, जीवन के बारे में, संबंधियों के बारे में, लाइफ के वैल्यूज़ के बारे में, समाज के बारे में, इन सब के बारे में, हम जो सोचते हैं, हमारी जो चेतना है, हमारी बुद्धि है, उन सब के बारे में। राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, ये सब संवाद ऐसे हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति का नाम अगर आपने सुना हो तो, अभी भी भारतीय अदालतों में हाल तक में जब सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले परिवारों में संपत्ति विवाद आदि के निपटारे में याज्ञवल्क्य स्मृति को रेफर किया जाता रहा है। अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से चीजों का विश्लेषण किया गया है, व्यवस्था की गई है, परिवार कैसे चले, जीवन कैसे चले, संबंध का निर्वहन कैसे हो, उत्तरदायित्वों का निर्वहन कैसे हो, यह सब चीजें। अब बात यह आती है कि मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता कि हम कहां तक सीमित रहते हैं, किन चीजों में सीमित रहते हैं, मैं तो सिर्फ आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं। कदाचित इतनी देर के व्याख्यान में, आगे भी जितनी देर अभी हम बातें करेंगे, उसमें जितनी भी बातें स्पष्ट होती है या नहीं, मैं कम से कम सिर्फ कुछ चीज़ों को इंगित भर करना चाहूँगा कि उस दिशा में अगर पढ़ें, उस दिशा में अगर समझने की चेष्टा करें, तो शायद हमारे अपने चिंतन क्षितिज का विस्तार हो, चिंतन फलक का और अधिक विस्तार हो सके। यह बड़ा ही आवश्यक है। महात्मा बुद्ध, आज भगवान बुद्ध की जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है आज, जयंती नहीं, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप बुद्ध के आनंद के संवाद को पढ़ने की चेष्टा करिए। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें हमारे भारतीय परिवेश में, भारतीय संदर्भों में, हम ज्ञान की विवेचना जब करते हैं तब हमारी समझ को विकसित करने में सहायक सिद्ध होती है।
मैं अमेरिका की बात क्यों करूं? और ठीक है, हम पढ़ने के लिए करते हैं। जब हम यह करते हैं, जब जॉन डीवी वहां से यह घोषणा करते हैं कि सत्य का स्वरूप स्थिर नहीं होता, निश्चित नहीं होता, ठीक है, वास्तव में नहीं होता, हम भी मानते हैं नहीं होता है, सत्य बदलता रहता है, परंतु कुछ सत्य सदैव एक रहते हैं। और अमेरिका की परिस्थितियां अलग थी जब जॉन डीवी ने वहां पर शिक्षा शास्त्र की एक लंबी परंपरा शुरू की। मैं उनके अस्तित्व पर कोई सवाल नहीं उठाता, पर वहां की परिस्थिति का जरा आकलन करके देखिए। आबादी कम, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा, प्राकृतिक आपदाएं और समस्याएं वहां पर इतनी, कैलिफोर्निया जैसे विकसित राज्य में अभी भी हमेशा भूकंप के झटके आते रहते हैं। अब लोग कम हैं, कृषि क्षेत्र जमीन बहुत ज्यादा है, क्या करें, आदमी कृषि करने के लिए मिल नहीं रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी और उन मशीनों से वो फिर कृषि कार्य करेंगे व्यापक बृहदाकार भूखंडों पर, और उन मशीनों के लिए फिर उन्हें उस तकनीकी का आविष्कार तो करना ही पड़ेगा जिससे कि वो मशीन, मनुष्य के बदले में वो मशीन जाकर के वहां पर ये सब कार्य कर सके। तो निश्चित रूप से वहां पर मनुष्य के सामने अपने जीवन को बचाने की समस्याएं ज्यादा रही है। भारतीय जनमानस में जीवन के सर्वाइवल के प्रश्न अलग अलग परिप्रेक्ष्य में आते रहे हैं, पर स्थापित समाज, स्थापित सामाजिक जीवन, स्थापित सामाजिक मानदंडों के साथ जीने की बहुत पुरानी परंपरा है, हजारों साल पुरानी परंपरा है, और उन परंपराओं के, इन मानदंडों के बीच में हमारा ज्ञान जो विकसित हुआ है वो निश्चित रूप से वहाँ के ज्ञान से अलग होगा। हमारे लिए भौतिकता, भौतिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उससे परे चीजें हैं जिसकी तलाश लोग कर रहे थे जब वहां पर जीवन जीने के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे अमेरिका में। अभी एक मेरे कोई मित्र आए थे और वहां किसी और व्यक्ति ने उनसे पूछा, जब हम कोई किसी ऐसी जगह पर कोई किला देखने जा रहे थे तो उनसे पूछा अमेरिका में किला नहीं है, तो उन्होंने कहा हमारे अमेरिका में कोई फोर्ट नहीं है, किला नहीं है। तो खैर प्रश्नकर्ता थोड़े से विस्मित हुए, लेकिन हाँ यह बात मानने योग्य थी कि वहां का इतिहास ही कितना पुराना है, 200-300 साल पुराना इतिहास है, हमारे यहाँ का पता नहीं कितना पुराना इतिहास है, लोग कहें तो 3500 साल, 4000, 5000, 6000, कम से कम जो जिसके की प्रमाण मिलते हैं ऋग्वेदिक काल से ही, मान लीजिए मोहनजोदड़ो और हप्पा वो मान लीजिए, तो ये प्रमाण तो है ही उपलब्ध हमारे पास। तो हमारे पास के चिंतन की परंपरा और अलग अलग क्षेत्रों में विश्व के वहाँ के चिंतन की परंपरा में तो फर्क होगा। हम श्रेयस्कर, श्रेष्ठ कौन है, कम श्रेष्ठ कौन है, इसकी विवेचना नहीं करते अभी, परंतु यह देखने की चेष्टा अवश्य करते हैं कि ये सारे ज्ञान, एक ज्ञान वो जो चिंतन करके निकला हो, एक ज्ञान वह जो अनुभवों से निकला हो। अब ये दो ज्ञान हो गए, दो प्रकार के ज्ञान कई हैं, कई प्रकार के, उसकी शाखाएं विवेचनाएं, अभी उसमें ना जाते हुए हम यह देखने की कोशिश करें कि भाई इतनी चर्चा हम ज्ञान की कर क्यों रहे हैं। तो जाहिर है कि हर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, हम सभी चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी भी ज्ञानी हो, ज्ञान प्राप्त करे, और ज्ञान क्यों प्राप्त करे, तो एक बात आती है कि भाई ज्ञान इसलिए प्राप्त करे जिससे कि वह एक बेहतर मनुष्य बन सके, सफल मनुष्य हो सके, सफल। अब सफलता के जो मायने हैं यहाँ पर फिर आकर के हम रुकते हैं, दुविधाओं से ग्रस्त होते हैं, क्योंकि ज्ञान कहीं ऐसे अंतरिक्ष में तो पड़ा हुआ नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति जो होगी वो शिक्षा की प्रक्रिया से होगी। शिक्षा की प्रक्रिया में उस विवेचना में नहीं, शिक्षा की हम परिभाषा जानते हैं, सीखना है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, सीखना है, शिक्षा वही है। अब शिक्षा की अलग अलग परिभाषाएं हम सभी जानते हैं, मैं उन प्रत्येक परिभाषाओं को दोहराऊंगा नहीं यहाँ पर। शिक्षा इसलिए प्राप्त करते हैं हम कि हमें ज्ञान प्राप्त हो, हमारे व्यक्तित्व में एक संपूर्णत्व आए और हम जीवन में सफल हों। किस रूप में सफल हों? हम एक अच्छा व्यक्ति बने, निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास हो। महात्मा गांधी कहते हैं सर्वांगीण विकास को, मन बुद्धि चित्त कौशल सब में प्रवीण हम हो जाएं। अब जब मैं ये बातें करता हूं तो मुझे एक व्यक्ति याद आता है, मैंने उसे कभी देखा नहीं, उसको उसका चेहरा भी नहीं देखा मैंने, ना तो मुझे उसका नाम याद है,
बस एक आध साल पहले शायद अखबारों में उसके बारे में खबर पढ़ी थी। वो बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करके, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करके अमेरिका में गया। वो एक सफल सिलिकॉन वैली में एक सफल टेक्नोक्रेट था और उसकी माता मुंबई के एक अपार्टमेंट में रहती थी। और जब 2-3 महीनों से उसके पड़ोसियों ने उस वृद्धा को नहीं देखा तो उन्हें चिंता हुई और उस फ्लैट से थोड़ी बदबू सी आ रही थी। तो बहरहाल पुलिस को बुलवा करके जब तोड़ा गया तो उसकी माता वो वृद्धा कब की मर चुकी थी। और क्षमा करें, ये बड़ा ही दुखद प्रसंग है जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ, परंतु उस जब उसके पुत्र से संपर्क किया गया तो उसने कहा, हाँ पिछले 2 साल से मेरी अपनी माँ से बात ही नहीं हो पाई है, कैसी हैं वो। तो उसे बताया गया। खैर उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, मगर जरा यह सोचिए कि क्या ऐसा ज्ञान जो हम प्राप्त करें और उसके बाद हम अपनी माता को भी भूल जाएं, क्या ऐसा ज्ञान कि हमें जिसने जन्म दिया, हम जिनकी उंगलियां पकड़ करके बड़े हुए, जीवन में इस योग्य बने कि आज हम भौतिक सुख सुविधा के बीच में आनंद से, तथाकथित आनंद से जीवन यापन कर रहे हैं, और हमारी माता कब मरी हमें पता ही नहीं। तो क्या ज्ञान ऐसा उपयुक्त है, क्या इस प्रकार का ज्ञान बेहतर है? मुझे सुकरात याद आते हैं जब वो कहते हैं नॉलेज इज वर्च्यू, ज्ञान सदगुण है। तो सदगुण यहां पर तो कहीं रहा नहीं, तो क्या फिर वो तकनीकी ज्ञान ज्ञान है? जब हम उस ज्ञान की बात करते हैं तो फिर क्या महज हम कुछ चीजों को रट ले, पढ़ करके परीक्षा में उसे हम यथावत रिप्रोड्यूस कर लें और अच्छे अंक पा जाएं, तो क्या वह ज्ञान ज्ञान हुआ? यह हम सब के लिए एक विचार का विषय है। मुझे चित्रग्रीव कथा के वो कबूतर भी याद आते हैं, कई बार मैं उल्लेख कर चुका हूँ। मोनोटोनस सा, स्टीरियोटिपिकल सा लगता है मुझे स्वयं में भी, परंतु मैं बार बार यह दोहराना चाहता भी हूँ कि जिसे यह सिखा दिया गया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, और फिर वो उड़ते हैं, पूरा समूह जाते हैं और देखते हैं कि कहीं दाने बिखरे हुए हैं, ये कोई शिकारी नहीं असल में फैलाया हुआ था, और वो दाने चुगने लगते हैं और बार बार वो रिपीट भी कर रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसने फंसना नहीं, और फंस जाते हैं। तो क्या महज रटंत विद्या वाला ज्ञान जो है वह ज्ञान प्राप्त हम कर लें तो हम ज्ञानी कहला सकते हैं? अनुभवों से भी प्राप्त ज्ञान कई बार हमें धोखा भी दे देते हैं। चिंतन करके भी हम ज्ञान प्राप्त करें, पता नहीं किस प्रकार का चिंतन है कि अगर हम वैसा चिंतन भी करें तो भी अगर वह ज्ञान इस रूप में परिणत हो, व्यक्ति अगर इस रूप में विकसित हो, तो वह ज्ञान तो बड़ा चिंतनीय है, विचारणीय है कि क्या हम उसे ज्ञान माने। और फिर यह समस्या वहां से आगे बढ़ती है कि फिर हम ज्ञान कहें तो कहें किसे, और वास्तव में प्रामाणिक किसे माने हम, और ज्ञान का उद्देश्य क्या? फिर शिक्षा का उद्देश्य, वो उसी से, उसी में वो दोनों, एक ज्ञान और शिक्षा, ये दो शब्द जो हैं ये दरअसल एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए शब्द हैं। शिक्षा ज्ञान की संवाहिका है, यह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम ज्ञानार्जन करते हैं। एक तरफ हम अर्जुन को यह सुनते हुए देखते हैं, पाते हैं, जब कृष्ण कहते हैं कि दुखेशु अनुद्विग्न मनाः सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुख में, सुख में, राग में, द्वेष में, इन सब में जिसकी बुद्धि एक समान हो, विचलित ना हो, वह स्थित बुद्धि का माना जाए, उसकी प्रज्ञा जो है वह स्थित मानी जाएगी। तो इतना पढ़ लिख करके हम इतने विचलित क्यों जीवन में होते रहते हैं? और अगर हम इतने विचलित होते रहते हैं, मुझे यह उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं कि हम कितने विचलित कब कब होते हैं, तो फिर उस ज्ञान की प्रक्रिया ने, ज्ञानार्जन की प्रक्रिया ने, उस शिक्षा की प्रक्रिया ने वास्तव में कोई सफलता हासिल की क्या? हम कितने सफल हुए यह तो जग जाहिर है, क्या वह प्रक्रिया सफल हो पाई? क्या उस प्रक्रिया को हमने ठीक से आत्मसात किया? ये सब विचार का विषय है, ये सब सोचने का विषय है, जिस पर कि हम यह देखें कि ज्ञान प्राप्त करने की होड़ में तो हम लगे रहते हैं, परंतु उस ज्ञान को पाकर के हम क्या करते हैं? उस ज्ञान से हमारे व्यक्तित्व का परिमार्जन कितना हो पाता है?
और अपने व्यक्तित्व में जो भी परिवर्तन होता है, परिमार्जन शब्द को थोड़ा हटा करके परिवर्तन की ही बात करें, तो क्या उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर पाते हैं श्रेयस्कर तरीके से? कहने के लिए, वास्तव में आत्मगौरव करने के लिए भी हमारे पास परंपराओं का लंबा इतिहास रहा है, जहाँ हम उस देश के वासी हैं जिस देश में दधीच ऋषि रहते हैं, रहते थे, कदाचित थे या ना भी थे तो कहानी तो हम मान ही सकते हैं, जिन्होंने कि इंद्र को आयुध बनाने के लिए, वज्र बनाने के लिए अपने हड्डियों तक का दान कर दिया था जब मानव जाति पर संकट आया था। और कभी-कभी घोर दुख की अनुभूति होती है जब मैं कुछ लोगों को यह बात करते हुए सुनता हूँ। आप सबने भी सुना होगा, पीछे अब तो अभी का दौर थोड़ा डिफरेंट हो गया है, अभी तो दूसरी चिंताएं मनुष्य के ऊपर में छाई हुई हैं। एक समय था थोड़े ही दिन पहले जबकि कई लोग उपहासजनक तरीके से यह बात करते थे कि अरे तुम यहाँ चाय पी रहे हो और बॉर्डर पे सेना मर रही है, सैनिक मर रहे हैं और तुम यहाँ चाय पी रहे हो। वो ये बात गंभीरता से नहीं कह रहे थे, यह उपहास करने के तौर तरीके से कर रहे थे कि शायद कभी किसी ने कहा होगा कि भाई देखो देश में वो सैनिक मर रहे हैं और हमें तो वो एक अलग विचारधारा वाले लोग। अब यह देखिए कि इसमें हम इतना पढ़ लिख करके अगर इस तरह से देखें, एक व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह, हमारी सेना जो कि वास्तव में हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए अपने जीवन उत्सर्ग करते रहते हैं, उसके अभी भी 2 दिन पहले भी ये घटना घटी है, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। और जरा सोचिए कि हमारी संवेदनहीनता इतनी बढ़ जाती है जबकि हम उन चीज़ों को भी उपहास के तरीके से प्रकट करते रहते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा सरिता जी की सेंसरी परसेप्शन और लॉजिक बोथ आर दी पैरामाउंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ये तो है ही, कांट इसी पर आते हैं, एनालिटिक सिंथेटिक चीज़ों को वो जोड़ करके एक दोनों विचारधाराओं के बीच में सेतु का कार्य करते हैं। जब हम भारतीय परंपरा में यह देखते हैं, मैंने अभी अभी जो बात गौतम ऋषि की और सत्यकाम जावाल की बताई, वो भी अनुभव जन्य ज्ञान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ यम नचिकेता का संवाद हम देखते हैं जहाँ पर कि नहीं ना, वो बातें होती हैं श्री कृष्ण जब अर्जुन को बता रहे होते हैं आत्मा के रहस्य के बारे में, वो चिंतन, गूढ़ चिंतन की परंपरा है। वह जाबाल सीधे सीधे प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान प्राप्त करने की परंपरा को हमारे समक्ष रखते हैं उदाहरण के तौर पर। बात यहीं पर आती है, जो बात है जो आप कह रहे हैं कि जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, जस्टिफाई हम किस तरह से करें, हम सत्य को कैसे जस्टिफाई करें, सत्य को कैसे प्रमाणित करें, जस्टिफिकेशन क्या दें। दर्शन में कई थियोरीज चलती रहती हैं, जैसे थियोरी ऑफ एपिस्टेमिक जस्टिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, ज्ञान मीमांसीय औचित्य के सिद्धांत की बात करते हैं, थियोरी ऑफ फाउंडेशनलिज्म है, थियोरी ऑफ कोहेरेंस है, थियोरी ऑफ रिलायबिलिटी है, ये सारी थियोरीज हैं जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हम किस चीज को जस्टिफिकेशन माने। अगर हम किसी चीज को जस्टिफाइबल बताते हैं तो वो एक तो उसमें कोहेरेंस होना चाहिए, मतलब कि वो बिल्कुल अपने से अलग नहीं होना चाहिए, वो एक जैसा, जहां जिस परिवेश से हम उस बात को उठा रहे हैं उस परिवेश के अन्य चीजों के साथ में उसका संबंध होना चाहिए, उसके अलग अलग घटकों से एक प्रॉपर संबंध होना चाहिए। हम ऑड मैन आउट लेकर के किसी चीज को उठा करके रखें कि नहीं ये है इसलिए ये है। जब हम थियोरी ऑफ रिलायबिलिटी की बात करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं आपकी बात सही है, सत्य प्रमाणित विश्वास, इसी बात पर हम शुरू भी हुए, विश्व के सभी विचारक कम से कम कमोबेश इस बात पर आते हैं, और इनफैक्ट हमारे पीएचडी के जो अध्येता गण हैं, पीएचडी के शोधार्थी हैं, इनके लिए तो यह बड़ा ही आवश्यक है। अब क्यों आवश्यक है, आप पीएचडी किस लिए कर रहे हैं? अगर हम परिहास को हटा दें पीछे की डिग्री लेने के लिए, उस परिहास से अलग हटें, तो पीएचडी के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से और वास्तव में अगर हम गहनतम रूप से सोचें तो पीएचडी के माध्यम से यह अपेक्षा रहती है कि यह तो एक नए ज्ञान का सृजन हो या पूर्व स्थापित किसी ज्ञान को आप पुनर्परिभाषित कर रहे हैं, पुनर्व्याख्या कर रहे हैं। अब पीएचडी के माध्यम से आप क्या करते हैं, आप
एक आपके मन में एक प्रश्न उठा, रिसर्च क्वेश्चन, उस प्रश्न के लिए आपने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए कि मुझे यह करना है उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। अब आप जस्टिफाइड ट्रू बिलीव, सत्य प्रमाणित विश्वास, अब आप क्या करते हैं तो आपको सत्य की खोज करनी है। पीएचडी का कार्य या किसी भी रिसर्च का कार्य सत्य की खोज करना है, चाहे एमफिल में हो, पीएचडी में हो, या वैसे ही स्वतंत्र रिसर्च कर रहे हो, शोध अनुसंधान का कार्य है सत्य की खोज करना। अब सत्य के रास्ते पर आप चल पड़े, सत्य के रास्ते पर जब आप चल पड़े तो आप सत्य को ढूंढ रहे हैं। अब सत्य को ढूंढ रहे हैं, सत्य क्या होगा, तो एक तो जस्टिफिकेशन आप ढूंढते हैं। अब जस्टिफिकेशन ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, आप डाटा कलेक्ट करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें उसकी विवेचना करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसके आधार पर जो उसके अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं, उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, फिर देखते हैं कि वो निष्कर्ष जो निकला हमारा कितना विश्वसनीय है, कितना वैध है। वो वैधता, विश्वसनीयता, वो सब जब आपके उस प्राप्त किए हुए सत्य को प्रमाणित करते हैं, स्थापित करते हैं, तब आपका वो कार्य संपन्न होता है शोध का। और सही मायने में शोध का कार्य जो वो होता है, वो उस सत्य की प्राप्ति के लिए किया गया शोध तभी संपन्न होता है जब आप उसको जस्टिफाई करते हैं, वो जस्टिफिकेशन है। और जस्टिफिकेशन के लिए फिर आप क्या क्या करते हैं, अलग अलग दृष्टांत देते हैं। वो दृष्टांत कोई अवार्डमेंट आउट नहीं होगा, अगर आपने किसी एक सैंपल के आधार पर निष्कर्ष निकाला तो वो आपका शोध उचित नहीं माना जाएगा, उस शोध का परिणाम आपका उपयुक्त नहीं माना जाएगा, और आपको उसके लिए अनेकानेक। तो वो जो बात होती है कि उसमें जो है जस्टिफिकेशन जब आप देते हैं तो थियरी ऑफ कोहेरेंस जो होता है वो कोहेरेंस, संतक्तता उसमें आनी चाहिए। संतक्तता जब तक नहीं आएगी तब तक वह बात आपकी सत्य मानी नहीं जाएगी। तो यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है शोध के लिए भी, व्यावहारिक पटल पर, व्यावहारिक क्षितिज पर भी आकर के। मैं तो थोड़ा सा उधर चला गया नैतिकता की ओर, मूल्य की ओर, मैं सुकरात को देखने लगा जो ज्ञान को वर्च्यू कहते हैं। फ्रांसिस बेकन भी कहते हैं नॉलेज इज पावर, पर वो पावर क्या है, वो पावर ऑटो हॉर्न वाले पावर नहीं है, या जॉन कोल्ट वाला पावर नहीं है कि हमने पिस्टल बना दिया और फिर उस पिस्टल का दुरुपयोग हो रहा है ना। ज्ञान वही श्रेयस्कर है जिससे कि कल्याण हो सके। सद्गुण और दुर्गुण के बीच की जो विवेचना है, जो बीच की दीवार है जिससे ये विभक्त होती हैं ये दोनों संकल्पनाएं, तो सद्गुण वो है जिससे कि मानव जीवन का कल्याण हो सके। और मानव जीवन मतलब सिर्फ अपना जीवन ही नहीं, दूसरे का भी जीवन, पूरी मानव जाति का कल्याण हो, सभी जीवों का कल्याण हो। हमारी परंपरा में तो हम जब वो पढ़ते आए हैं आत्मवत सर्वभूतेषु यह पठेति सपंडितः, जो सभी जीवों में अपने जैसा ही देखता है, अपने जैसा ही समझता है, वही ज्ञानी है। तो हम तो ज्ञान की उस अवधारणा को लेकर के चलते हैं कि अपनी आत्मा की तरह ही सभी प्राणियों को हम देखें। तो यहां पर जब हम वो देखना शुरू करेंगे तब हम निश्चित रूप से कल्याण की बात करते हैं, और कल्याण में तो हमारे पास तो हम तो अंतरिक्ष शांति, औषध शांति, वनस्पति शांति, इस अवधारणा पर चलने वाले लोग हैं। काश अगर उस अवधारणाओं पर अमल किया होता इस मानव जाति ने, तो आज जो कोरोना जैसी समस्या पूरे विश्व को अपने प्रभाव से आतंकित किए हुए है, वो समस्या कदाचित नहीं आती। बहरहाल हम उस ज्ञान को तो लें, परंतु ज्ञान के साथ एक दूसरी समस्या भी है जो कि मैं अपनी बात पूर्ण करने से पहले अवश्य रखना चाहता हूं। ये ज्ञान की विवेचना बड़ी एक अलग ही रोचक भी और कभी कभी बड़ा ही दुर्योगपूर्ण रुख भी अख्तियार करती है। हमने करिकुलम पढ़ते वक्त में कभी कभी हिडन करिकुलम पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा। मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं, कदाचित उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। रशिया के एक जीव विज्ञानी हैं, आप लोग अभी मेरी बात सुनने के बाद में गूगल सर्च करिएगा, ट्रोफिम लियोसेंका,
लिस्यांको, सॉरी लिस्यांको, ट्रॉफिन लिस्यांको, ये साहब 1898 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये जोसेफ स्टालिन के बड़े प्रिय विद्वान थे। ये स्टालिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। उनके ये जीव विज्ञानी थे, वहाँ के एक प्रसिद्ध और प्रसिद्ध जीव विज्ञानी को पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया उन लोगों ने मिल करके। इसे इन्हें स्टालिन ने सराखों पर बिठा करके वहाँ के बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाया। लिस्यांकोइज्म के नाम से आपके ढूंढेंगे, बहुत सारी सामग्री ओपन रिसोर्सेज में भी मिल जाएंगी। अब ये साहब क्या थे, तो ये जेनेटिक्स का जो सिद्धांत था इसके ये दूर विरोधी थे, प्रबल विरोधी थे। जेनेटिक की अपनी थियोरी है, जेनेटिक्स की, इसके विरुद्ध इन्होंने एक नए ज्ञान का प्रतिपादन किया। और वो नया ज्ञान क्या था, इन्होंने कहा कि यह जो मैंने शोध किया है, इससे मैं स्प्रिंग सीजन में होने वाले गेहूं को विंटर सीजन में भी पैदा कर सकता हूं, विंटर सीजन में होने वाले गेहूं को स्प्रिंग में पैदा कर सकता हूं। मार्क्सवाद की एक अवधारणा है कि जिस किसी परिवेश में, जिस किसी भी पर्यावरण में सभी प्राणी रहते हैं, वो उन्हें एक जैसा होना चाहिए, वो एक जैसा ही होते हैं अगर उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए तो। और ये मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। मुझे क्षमा करेंगे अगर आप में से कोई इस विचारधारा को मानने वाले हैं, मैं मार्क्सवाद की का खंडन मंडन नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं तो सिर्फ उल्लेख कर रहा हूँ ट्रॉफिन साहब का, कि उन्होंने कहा कि उसे अगर एक परिस्थिति में डाल दिया जाए तो वो वनस्पति उसी प्रकार से विकसित होगी। अब रसिया में बहुत ठंड पड़ती है, तो इन्होंने लगा दिया पूरे, स्टालिन साहब ने क्या किया, तो इनको तो नियुक्त कर दिया निदेशक, और अपने देश की तमाम जनता को लगा दिया उन प्रांतों में गेहूं उगाने में। ऐसे गेहूं जो स्प्रिंग सीजन में उगने थे उसे विंटर सीजन में उगा रहे थे ये साहब, वो उगे नहीं, सिर्फ गेहूं ही नहीं और भी फल फूल सब्जी इत्यादि इत्यादि। नतीजा ये हुआ कि भयानक अकाल पड़ा। ये 1930-32 की बात है जब इनको निदेशक बनाया गया था, उसके बाद से ही इनका ये सब ज्ञान का प्रकोप फैलना शुरू हुआ। उसमें रूस में इतना बड़ा अकाल फैला, 70 लाख लोग मर गए अकाल से, 70 लाख। किसी एक व्यक्ति की बदौलत मानव जीवन के इतिहास में इतनी सारी जीवन लीला समाप्त होने का एक कारण कोई एक व्यक्ति हो, ऐसा सुनने को नहीं मिलता। अब इनके ज्ञान को मगर वहां पर स्टालिन साहब और उनके समर्थक सर्वोपरि मानते थे। सब ने कहा कि नहीं, ये जो बात कह रहे हैं ये सर्वथा सत्य है, ये होगा। अगर ये कह रहे हैं कि ठंडे विंटर सीजन में स्प्रिंग वाला हो जाएगा, ये एक जगह रख करके इनका बड़े अद्भुत अद्भुत थे, आप पढ़िएगा इनको कभी। ये कहते थे कि एक जैसे कुछ दूसरे पौधे भी हैं ना, सभी बीज को पास पास अगर पैदा कर दो, तो पास पास में अगर रोपण कर दो तो ये खूब विकसित होंगे। अब भाई पौधों को विकसित होने के लिए भी थोड़ा स्पेस तो चाहिए होता है, पर इनका कहना था नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्क्सवाद ये कहता है कि जो सर्वहारा वर्ग है वो आपस में कंपटीशन नहीं होता है उनका, उनका तो बुर्जुआ से कंपटीशन होता है। तो उसी तरह से पौधे अगर एक ही प्रजाति के हैं बीज, उन बीज को बिल्कुल पास पास चिपका करके बो दो, तो वो आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे, वो ग्रो करेंगे, फलित होंगे और बढ़िया से करेंगे वो। मतलब ये कहाँ से वो विचारधारा इनके वनस्पति शास्त्र की विचारधारा में आकर के उन्होंने उसको लगाना शुरू किया, और नतीजा क्या हुआ कि उपज कुछ नहीं हुई। और इन्हीं की विचारधारा को चीन ने भी अपनाया। 3 करोड़ लोग, ये ऑन रिकॉर्ड है, 3 करोड़ लोगों की अकाल से मृत्यु हुई चीन। ये 1930 से 1950 के दशक के बीच की बात मैं कह रहा हूं। अंत में स्टालिन के मरने के बाद इनको वहां से, इनकी जगह से हटाया गया, पदमुक्त किया गया इनको, ट्रॉफिम लिस्यांको को। तो ये जो ज्ञान की राजनीति जो होती है, पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज जो होता है, यह भी यह तय करता है कि कौन सा ज्ञान अभी आपके लिए श्रेयस्कर है। बेशक आपके लिए श्रेयस्कर हो या ना हो, मगर दूसरे जब तय करने लगते हैं कि ये ज्ञान आपके लिए श्रेयस्कर है, चाहे वो अनुभववाद पर हो, चाहे वो तर्कवाद पर हो, चाहे इन दोनों से परे हो,
किसी एक के सिनिकल एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो। ये बड़ी ही गंभीर समस्या मानव जीवन के इतिहास में होती है। मैं इसको एक और बात से आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। आप लोगों को मालूम होगा कि सौर मंडल के सिद्धांत में टोलेमी एक बहुत पहले खगोल विज्ञानी हुए थे जिन्होंने यह संकल्पना दी थी। अन्य धर्मों में भी इसका है विधान, इस तरह की बातें थी जब तक कि ज्योतिषीय खगोल शास्त्रीय गणनाएं उतनी बढ़िया नहीं हुई थी। तो सौर मंडल के केंद्र में उन्होंने यह संकल्पना दी थी कि धरती है और सूर्य धरती के चारों ओर परिक्रमा करता है। अब वो बेचारा दूसरा आया, उसने यह साबित करने की कोशिश की कि नहीं नहीं उसने कहा कि ये जो है ये तो गलत है, तो उसको मार दिया। गैलीलियो आया, गैलीलियो ने भी उसको प्रमाणित करने की कोशिश की, तो गैलीलियो को नजरबंद कर दिया और राजद्रोह का मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा चलाया। गैलीलियो थोड़ा सा समझदार था और उसने माफी मांग ली, तो उसको अपने घर में ही नजरबंद कर दिया गया। उन दिनों में क्योंकि यह ज्ञान सर्वमान्य था, क्योंकि चर्च ये बात कहता था कि ना, सौर मंडल में केंद्र में धरती है, सूर्य परिक्रमा कर रहा है। अब 400 साल के बाद, मेरे ख्याल से आज से 2-4 साल पहले की बात है, जब पोप ने गैलीलियो के साथ हुए इस अन्याय के लिए माफी मांगी थी। तो 400 वर्ष लग गए, यद्यपि वैज्ञानिकों का जब एक वर्चस्व बढ़ा, विज्ञान की विचारधाराएं हावी हुई, तो एक दूसरी विचारधारा आई। लेकिन आप यह समझिए कि उन लोगों का क्या हुआ जिनका जीवन खत्म हो गया कि ये ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये जो कह रहा है ये तो धर्मद्रोह है, यह तो राजद्रोह है। वहां पर सारी तर्क बुद्धि, सारी अनुभव बुद्धि ज्ञान को परिभाषित करने में विफल हो गई। वहां पर पूर्ण रूपेण, शुद्ध रूपेण सत्ता में जो है, उस सत्ताधीश की जो इच्छा है वही ज्ञान है। और वो ज्ञान इसी तरह से है कि जब भारत में एक सेतु जिसका कि अब अवशेष मात्र रह गया है, उसे जब भारत और श्रीलंका को जोड़ने के लिए अगर उसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है, तब तो उसके मानने वाले लोग सुकून महसूस करते हैं। पर जैसे ही उसे श्रीराम सेतु कहते हैं, तो उसका खंडन करके सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी चलाने वाले लोग होते हैं। तो ज्ञान की ये जो विचित्रता है, ज्ञान कौन सा वैध ज्ञान है, कौन सा वैध ज्ञान नहीं है, यह भी विचार का प्रश्न है। गुरु गोविंद सिंह को अगर वो क्या थे, गुरु अंगद देव क्या थे, गुरु तेग बहादुर क्या थे, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। परंतु अगर इतिहासकारों में भी एक इस तरह का विभाजन है, कुछ लोगों ने उन्हें लुटेरा अपने इतिहास में कहा। आप किसी के बारे में कुछ लिख देते हैं क्योंकि आपके साथ सत्ता है, यह उचित नहीं है। परंतु समस्या यह है कि हम आप जो एक सामान्य शिक्षक हैं, शिक्षार्थी हैं, अध्येता हैं, हम आप क्या करेंगे, हम किसे मानेंगे, हम किस ज्ञान को कहेंगे कि ये ज्ञान वैध है, हम किस ज्ञान को कहेंगे कि यह नहीं है। हमने पढ़ा, हम भारतीय परंपरा में भी जब कही जाती है कि प्रमाण जो है उसके लिए प्रमाण का होना आवश्यक है, और प्रमाण के लिए भारतीय परंपरा में षड् दर्शनों में यह बात आती है, 6 प्रमाण माने जाते हैं, आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये तो न्याय दर्शन के हैं। उसी तरह से सांख्य वैशेषिक में भी इस तरह से जो षड् दर्शन में है, अच्छा मैं इसका देता हूं, तो यह जो चीजें हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि और एक और अभी आ जाएगा मैं कहता हूं। तो यह जो 6 प्रमाण माने जाते हैं, इसको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इस माध्यम से जो ज्ञान मिला यह ज्ञान ठीक है, उस माध्यम से मिला वह ठीक है, जो हमने प्रत्यक्ष अनुभवों से लिया, हमने इन्फरेंस निकाला, स्टैटिस्टिक्स वाले इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, तो इन्फरेंस निकाला अनापत, हाँ, तो वो ये जो चीजें हैं कि हम इस माध्यम से जो इस ज्ञान की स्थापना करते हैं वो ज्ञान ठीक है, या किसी ने हमें कह दिया शब्द अथॉरिटी, अब अथॉरिटी में बड़ा विवाद है,
भारत सरकार की दो एजेंसीज हैं, रिमोट नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसीज और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कई बार ऐसा होता है कि इन दोनों के एक ही मुद्दे पर किए गए जो रिसर्च होते हैं वो दोनों अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं। श्री राम सेतु के बारे में ही एक एजेंसी यह निकालती है निष्कर्ष कि यह मानव निर्मित है, दूसरा कहती ना मानव निर्मित नहीं है। अब किसे माने? तो अभी बहुत ज्यादा इस पर गए बिना मैं सिर्फ अपनी बात यह कहना चाहता हूं, अर्थापत्ति बिल्कुल ठीक समझता। अर्थापत्ति अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि। तो यह जो बात है कि हम किसे माने और किसे ना माने, किस ज्ञान को कहें कि नहीं ये वैध ज्ञान है, अब ये इन सारी चीजों का निचोड़। हम क्या लिस्यांको को क्या कहेंगे, ट्रॉफिम लिस्यांको को, जिसने कि मतलब समझिए रशिया में 70 लाख लोग उसके उस फितूर भरे एक्सपेरिमेंट की बलि चढ़ गए। चीन में उन चीजों को, क्योंकि वो दोनों एक ही विचारधारा को अपनाने वाले, तो वो 3 करोड़ लोग चले गए। क्या ऐसा ज्ञान उपयोगी ज्ञान है? इतिहास पढ़ाते वक्त में भारत में भारत के विभाजन का इतिहास एक तरीके से पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान में उसी इतिहास को पढ़ाया जाता होगा। आप स्वयं कल्पना कर लीजिए कि भारत विभाजन का इतिहास पाकिस्तान में किस प्रकार से पढ़ाया जाता होगा। घटना तो एक ही थी, भारत का विभाजन हुआ, भारत एक देश और पाकिस्तान दूसरा बना, पर उसमें दोषी कौन, अब उसकी विवेचना अलग अलग तरीके से हो रही होगी। तो फिर उन बच्चों के मन में जो समानांतर संसार विकसित हो रहा होता है, भारत में एक प्रकार का संसार और पाकिस्तान में एक प्रकार का संसार, उनके मन में, उन बच्चों में, उन कोमल मस्तिष्क कोमल हृदय वाले बच्चों के मन में जो संसार विकसित होता है, उनकी जरा सोचिए उनके व्यक्तित्व पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। और हम जो ज्ञान की शिक्षा की प्रक्रिया चलवाते हैं, इसमें हम क्या क्या चीजें घालमेल करते रहते हैं अपनी हिसाब से। तो खैर, बहुत सारी चीजों पर हम आम शिक्षकों के नियंत्रण में ये सब चीजें नहीं रहती है, पर हाँ कुछ चीजों का नियंत्रण हमारे पास है। हम बहुत सारी चीजों का नियंत्रण कदाचित नहीं कर पाए। कई बार विज्ञान अपने निष्कर्षों को स्वयं ही झुठलाता है और कई बार अपनी बातों को थोड़ी सी और पुनर्व्याख्यायित करके और बेहतर तरीके से रखता है, तो उस समय में ज्ञान की जो बातें हैं, निष्कर्ष है, उसमें थोड़ा परिवर्तन आता है, वो एक अलग मसला है। पर जो सामाजिक यथार्थ है, हम समाजशास्त्र के शिक्षा शास्त्र के अध्येता हैं, उसके लिए एक ही घटना का अलग अलग विश्लेषण, एक ही घटना का अलग अलग निरूपण और फिर मतारोपण, तो क्या इस प्रकार के ज्ञान को हम स्थापित करके भला कर रहे हैं मानव जाति का? या फिर हम उसमें भी एक स्वतंत्र चिंतन की आदत डालें बच्चे में, तथ्य को रखें? शिक्षा की यही प्रक्रिया है कि आप मतारोपण न करें, तथ्यों को रखें और उसके बाद उसे निर्णय करने के लिए छोड़ें। कई बार वो निर्णय भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, नो डाउट, लेकिन ज्ञान सूचना और ज्ञान में ये फर्क तो हमें करना होगा कि सूचनाएं जो हैं वो बदलती हैं, सूचनाएं अफवाह भी हो सकती हैं, भ्रम भी हो सकती है, पर ज्ञान सिर्फ तथ्य ही मात्र नहीं होते। ज्ञान से अगर हमारे अंतर्दृष्टि में बदलाव आता है, हमारे सोचने के तौर तरीके में बदलाव आता है, एक व्यक्ति के रूप में हम अपने समाज में, अपने परिवार में जिस तरह का आचरण करना शुरू करते हैं वैसा बदलाव आता है, तब हम उस ज्ञान को ज्ञान मानेंगे। एक प्रश्न है कि आप तो वाक्य क्या ज्ञान है? अब ये बड़ा ही प्रश्न है, गंभीर, क्योंकि आप तो वाक्य बड़ी विवेचना वाली बातें हैं। समय सापेक्ष भी हो सकता है, काल सापेक्ष हो सकता है, स्थान सापेक्ष हो सकता है। आप तो वाक्य वो होते हैं जो अथॉरिटीज के द्वारा कहे गए हैं। अब आप देखिए ना, टोलेमी का कहा गया आप्तवाक्य कि सौर मंडल में सूर्य परिक्रमा कर रहा है धरती के, क्या वह ज्ञान था? क्या ट्रॉफिम लिस्यांको, रशियन बायोलॉजिस्ट, जिसने उसके पूरे जेनेटिक प्रिंसिपल को झुठला दिया और पूरे रशिया में एक अलग प्रकार के ज्ञान का लंबे दशकों तक वो रहा, क्या वह ज्ञान उस समय के लिए तो वही आप्तवाक्य था? अगर हम आप्तवाक्य को इसके शाब्दिक अर्थ को देखें, अथॉरिटी, वो अथॉरिटी था क्योंकि उसे शासन ने, सत्ता ने उसको अथॉरिटी घोषित कर दिया था। ये भी एक विडंबना है
ज्ञान की, ज्ञान के व्यापार की, ज्ञान के विनिमय के की प्रक्रिया में यह भी बड़ी विडंबना है कि हम किस ज्ञान को लेकर के चलें, किस ज्ञान को हम अपनाएं। ये बड़ा, ये कभी, ये अंतहीन प्रक्रिया है। और शिक्षा की प्रक्रिया में ज्ञान का श्रेयस होना, ज्ञान का प्रेयस होना और ज्ञान का औचित्य पूर्ण होना, इस पर यह विमर्श कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो हम बिना बहुत ज्यादा डाइग्रेस हुए इसको सिर्फ यह इतने भर अगर समझने की कोशिश करें, हम सुकरात को पढ़ते हैं तो सुकरात से भी ले लें कि ज्ञान सद्गुण है। और सद्गुण हम भारतीय परंपरा में हमारा लंबा इतिहास रहा है कि हम किसे ज्ञान माने, वो ज्ञान जो जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए हो, ऐसा ज्ञान जिससे मानव जाति का कल्याण हो, ऐसा ज्ञान जिससे विश्व का कल्याण हो, वो ज्ञान। तो हम उस ज्ञान को स्थापित करने की चेष्टा करें, उस ज्ञान का सृजन करें। जहां पर तथ्यात्मक चीजों के उत्पत्ति, तथ्यात्मक चीजों के सृजन का मसला है, उसको छोड़ देना चाहिए, प्रक्रिया पर वो चीजें आती रहेगी, परंतु नॉलेज इज वर्च्यू, उसको हमें जरूर स्थापित करने की चेष्टा करनी चाहिए। एक शिक्षक अपने जीवन में, अपने कार्यकाल में अपने बच्चे को, जिसे वो एक साल एक कक्षा में पढ़ाता है या दो साल, उसे संपूर्ण ज्ञानी नहीं बना सकता कभी भी, परंतु उसे इस योग्य तो बना सकता है कि उसमें सद्गुण का विकास हो, इस योग्य तो बना सकता है कि सकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास हो। और वही चीजें इस रूप में जब आती हैं कि आत्मवत सर्वभूतेषु यह पठेति स पंडितः, वही ज्ञानी है जो आत्मवत समझना शुरू करें, संवेदनाओं का सृजन हो, संवेदन शून्यता या संवेदनहीनता से विमुख होकर संवेदनशीलता की ओर हम बढ़ें, वो ज्ञान ज्ञान है। हम ये पावर स्ट्रगल में उसके माध्यम से जो रचनाएं होती हैं, पाठ्यचर्या की रचनाएं होती हैं, पुस्तकों की रचनाएं होती हैं, हम इस डिबेट में जितना पढ़ेंगे, कई बार हमारी अपनी सीमाएं होती हैं। मैं किसी भी परंपरा के ज्ञान को झुठला नहीं रहा, न झुठलाना चाहता हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम जब यह प्रयास करें तो सदैव सत्य के अन्वेषण के लिए प्रवृत्त करें, शिक्षा के माध्यम से सत्य की खोज के लिए। जिन प्रमाणों की बात हम करते हैं, अगर हम उसी लेवल पर मान लें, सत्य प्रमाणित विश्वास, जस्टिफाइड ट्रू बिलीव, तो जस्टिफिकेशन भी हम सही तरीके से ढूंढ के लाए, तभी हमारा शोध सही शोध होगा। हम अगर शिक्षण कार्य में बच्चों को बता रहे हैं तो उसमें स्वयं भी एक रिसर्चर की तरह शिक्षक बन, शिक्षक एक रिसर्चर की तरह हो, जो कि सत्यान्वेषण करता रहे और उसके माध्यम से सद्गुणों का विकास करे। शिक्षा दरअसल सद्गुणों का विकास है, ज्ञान शिक्षा का लक्ष्य है अगर, तो ज्ञान सद्गुण है, शिक्षा सद्गुण के विकास के लिए है। और इसकी प्रक्रिया में जो ये चीजें आती हैं, जिसको हम थियरी ऑफ एपिस्टेमिक जस्टिफिकेशन कहते हैं, शोधकर्ता की दृष्टि से भी अगर हम देखें, तो इसको भी फिर हम ये चेष्टा सदैव करें कि हम अपनी सीमाओं में, जितनी हमारी क्षमता है, इसमें जहां जहां से भी, पंचतंत्र की कथा मुझे नहीं मालूम, पंचतंत्र की कथा आप सब जानते हैं, आचार्य विष्णु शर्मा ने लिखी और संभवतः मानव जाति के इतिहास में एक बड़ा ही रोचक अभिनव इनोवेशन था, एक अभिनव प्रयोग था कि पंचतंत्र की जितनी भी कहानियां हैं उसमें सभी जानवर, पशु आपस में बातचीत करते हैं, और उन पशुओं की आपस में बातचीत करने से जो जीवन के मूल तत्व निकल करके आते हैं, उससे उस राजा ने जब विष्णु शर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि हमारे पुत्र तो बिल्कुल ही इस योग्य ही नहीं है कि वो राज्य का भार संभाल सकेंगे, तो राज्याभिषेक किसी का मैं नहीं कर सकता, इनको थोड़ा संभालिए, तब उन्होंने रचना की थी पंचतंत्र की। और जानवरों के अंतर्वार्ता से, इंटरैक्शन के माध्यम से ज्ञान का इतना लंबा कोश। तो मैं कहता हूं किसी भी परंपरा में, किसी प्रकार की उद्धरणों में आप उसके अस्तित्व को, वो था नहीं था, चुनौती देने के बजाय अगर उसके मूल तत्व को उठाएं और उस मूल तत्व से हमारे जीवन के लिए क्या संदेश मिल रहा है, इसको अपने आचरण में, अपने विद्यार्थियों के आचरण में समाहित करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि शिक्षा की वह प्रक्रिया भी अपने आप में फलदायी नहीं होगी, ज्ञानार्जन की वह प्रक्रिया भी अपने आप में फलदायी हो सकती है। मुझे लगता है कि ये जब ये चीज़ें तो बहुत है, हमारे एक मित्र का आ रहा है मैसेज कि बोलते रहें चहल साहब,
बिल्कुल बात ठीक है, मेरी भी इच्छा है और फिर बोलेंगे कभी। सोमू जी अगर कहें तो मैं इसको विराम अब देना चाहूँगा। ये प्रक्रिया इतनी लंबी है और इसमें इतनी बातें हैं कहने सुनने को, फिर कभी एक और कुछ चीज़ों को लेकर के हम करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा थियरी लैडन डिस्कशन नहीं करना चाहता था कि इसके इतने प्रकार होते हैं, इसके इतने सब उप प्रकार होते हैं। ये सारी चीज़ें इतनी हैं जो सब जगह मुश्किल है, अब उपलब्ध है और वो पुस्तकों में है, पर क्या होगा। पुस्तकेषु लिखितम विद्या पर हस्तेषु गतम धनम, उत्पन्नेषु चकारियेषु नसा विद्या न तद्धनम। तो किताबों में लिखी हुई वो सारी बातें तब कोई कार्य नहीं आती जब उसका वास्तव में कोई प्रयोजन उत्पन्न होता है हमारे समक्ष में। आवश्यकता है कि हम चिंतन करें, मनन करें और उन विचारों को आगे भी साझा कर दें। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस पर ही विचार करने की आवश्यकता है। और आप सब बड़े धैर्य से सुनते रहे तो इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबको। सोमू जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कि यह प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, और वास्तव में एक अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है जिसके माध्यम से कि अलग अलग जो मन में विचार उत्पन्न होते रहते हैं उसको समझने की चेष्टा हम सब कर सकते हैं, बांटने की कोशिश कर सकते हैं। अनुभववादी और तर्कवादी प्रत्यय को आत्मसात कैसे करते हैं। आत्मसात करना तो ये है जो हम अपने जीवन में अपनाते हैं। अब अनुभववादी तर्क और तर्कवादी, अनुभववादी प्रत्यय और तर्कवादी प्रत्यय, ये दोनों है हमारी जिसमें आस्था होती है, हम जिसको मानते हैं और उसको ही हम अपनाते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग होती है या हमारा परिवेश होता है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है कि हम किस प्रकार से उसको आत्मसात करते हैं। दरअसल होता क्या है मैं बताऊं आपको कि यह परिवेश जन्य भी होता है, यह कुछ परिवेश जन्य होता है। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर हम, अब मान लीजिए मैं पुनः आऊँगा सत्यकाम जावाल के उदाहरण पर, उसको तो गुरु ने कह दिया। अब उन्होंने, उसने जो संकल्पनाएँ की थी वो बिना मनन था परंतु अनुभव था। वहीं जब नचिकेता यह संवाद कर रहा होता है यमराज से, मेरा ये मोबाइल बार बार वो दे रहा है, मैं इसको इसमें जोड़ने की कोशिश करता हूँ पावर में। नचिकेता यह संवाद कर रहा होता है यमराज से और आत्मा के रहस्य पूछ रहा होता है, या फिर भगवान कृष्ण जब अर्जुन को बता रहे होते हैं आत्मा के बारे में, नैनंग छिंदंति शस्त्राणी नैनंग दहति पावकः न चैनंग क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुतः, यह कभी नहीं मरती, वासान से जीर्णानि यथा व्याय, आप सबने सुना है इसको। वहां पर यह तर्क चिंतन, आप कभी मौका अगर मिले, देखिए हमारे इन शास्त्रों में समस्या लोगों में क्या होती है कि हम उन चीजों को पढ़ने के बजाय उनकी वैधता को प्रश्न करना शुरू कर लेते हैं, हम उसके अस्तित्व पर उंगली उठाना शुरू कर लेते हैं। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि ये सारी चीजें, यह सारी चीजें आप उसे साहित्य के तौर पर ही पढ़ें और उसे पढ़ करके कम से कम यह तो देखने की कोशिश करिए कि उसमें हमारे जीवन के लिए उपयोगी क्या है, और जीवन के लिए जो उपयोगी है उसको लीजिए। बिल्कुल आप प्रवीण जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, खंडन भी करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। और एक लंबे समय से जो मैंने अभी बात कही उसी में वो इसका हिडन मैसेज था कदाचित, जो मैंने ट्रॉफिम लेसियांको का उदाहरण दिया कि एक लंबे समय तक उसने जब स्टालिन के काल में इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के निदेशक पद पर होते हुए इतना नष्ट किया जीवन को, तो बाद में जब उसे हटाया गया तो अब धीरे धीरे वो फिर एक अलग दिशा में लोगों का जीवन विकसित होना शुरू हुआ। खंडन नहीं होगा तो वो जो अंधकार है या एक तरह से जो हमारे तमाम ज्ञान की परंपरा को झुठलाने का जो बलपूर्वक किया गया प्रयास है वह सफल होता रहेगा, खंडन करें हम। लेकिन मेरा यह कहना है कि हम सबको पूरी तैयारी के साथ में खंडन करना चाहिए। मैं धर्मपाल जी का बड़ा ही ऋणी हूँ, व्यक्तिगत तौर पर मैं बड़ा आभारी हूँ। ब्यूटीफुल ट्री के माध्यम से उन्होंने जो बातें रखी है धर्मपाल जी ने,
भारतीय आधुनिक काल की बातें हैं, अंग्रेजों के जमाने की बातें हैं, आप पढ़िए। आप, मैं आह्वान करता हूं, वो पुस्तक भी उपलब्ध है ऑनलाइन। धर्मपाल जी ने जब ब्यूटीफुल ट्री अवर्धा में रह करके उन्होंने ये रचनाएं की। ब्यूटीफुल ट्री की विशेषता यह है कि सिर्फ अपने एजम्पशन के आधार पर वह पुस्तक नहीं है, पूर्णतः जो वो पुस्तक लिखी उन्होंने, अंग्रेज प्रशासकों ने जो अपने राजा या रानी को यहाँ की जो रिपोर्ट सौंपी, डेमोग्राफिक रिपोर्ट, एजुकेशन से रिलेटेड रिपोर्ट, वो सब जो सौंपी अंग्रेज कलेक्टरों ने अलग अलग क्षेत्र के, उन रिपोर्ट्स का विश्लेषण करके वह पुस्तक लिखी गई है। और आप पाएंगे उसमें, मैं यह बात कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं, उस पुस्तक को रेफरेंस उसका देते हुए कह रहा हूं, मद्रास प्रोविंस के कलेक्टर का स्टेटमेंट है, जहां पर कि उस जमाने में स्त्री शिक्षा की, लड़कियों की शिक्षा के लिए और किसी खास वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए जो डाटा उन्होंने भेजा रानी को, अब कलेक्टर वो तो रानी का एम्प्लॉई है, वो तो उसके पक्ष में ही काम करेगा ना, वो तो, उसे तो भारतीय जनमानस से तो कोई प्रेम नहीं था, या हो अगर व्यक्तिगत स्तर पर हो, परंतु उसकी प्रतिबद्धता तो ब्रिटिश राज से थी। वहां पर वो लिखता है कि मद्रास प्रोविंस के विद्यालयों में 27 प्रकार के ज्ञान अनुशासन, अलग अलग डिसिप्लिन का ज्ञान विद्यालयों में दिया जा रहा था। 54% एनरोल्ड आबादी, जो छात्र थे, उसमें से 54% उस समाज के, उस वर्ग के थे जिसे कि लोग दलित कहते हैं, और जिसके बारे में उस समय यह भी भ्रांति फैलाई गई कि सदैव हर जगह उनका दलन हुआ, दमन हुआ। मैं यह नहीं कहता कि नहीं हुआ, बहुत से क्षेत्रों में हुआ, परंतु यह भी एक यथार्थ है। ये किसी भारतीय ने यह बात नहीं कही, यह उस अंग्रेज कलेक्टर ने यह बात लिखी, रानी को उसने सूचित की, वो पूरी रिपोर्ट है। पश्चिम बंगाल में 1,00,000 से अधिक विद्यालय थे गांवों में प्राथमिक कक्षा के उस समय में, जिसके कि कई साल के बाद में मैकॉले आकर के कह रहा है कि यहां की स्थिति तो अत्यंत गंभीर है, यहां तो शिक्षा है ही नहीं, और इनके ज्ञान का कोष जो है वो यहां आलमारी के एक सेल्फ में रखने लायक है। तो बातें निश्चित रूप से है, हो क्या रहा था कि एक लंबे समय से ऐतिहासिक कारणों का हमें पता है। अब जब स्टालिन वहां पर रसिया में है तो वो क्यों, और वो ट्रॉफिम जो है वो उसका अपना दायां हाथ है, तो वो क्यों किसी दूसरे जीव विज्ञानी की सुनेगा, क्यों किसी दूसरे कृषि विज्ञानी की सुनेगा, उसने सुन लिया, इतने सारे लोग मर गए। वही हालत यहां हुई, हमारी ज्ञान परंपरा का जो समृद्ध इतिहास रहा है, उस ज्ञान परंपरा को तो धकेल दिया गया, दबा दिया गया, और एक नई ज्ञान परंपरा स्थापित करने की चेष्टा की गई। मैं यह नहीं कहता, आधुनिकता ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन आधुनिकता ने कोरोना भी दिया है। हमें हर किसी जगह से अच्छे तत्वों को लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं, मैंने अभी यही उदाहरण दिया कि जब हम तत्व मीमांसा पढ़ते हैं, ज्ञान मीमांसा पढ़ते हैं, मूल्य मीमांसा पढ़ते हैं, तो हमें क्यों नहीं यम नचिकेता संवाद, हमें क्यों नहीं कृष्ण अर्जुन का संवाद याद आता है, हमें क्यों नहीं याज्ञवल्क्य मैत्रेयी का संवाद आता है, बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद की याद आती है, हमें क्यों नहीं अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद की याद आती है, हमें क्यों नहीं यक्ष युधिष्ठिर के संवाद की याद आती है, हमें धृतराष्ट्र और विदुर के संवाद की याद क्यों नहीं आते, हमें भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद की याद क्यों नहीं आती जब भीष्म शरसैया पर थे, हमें क्यों नहीं रावण को ही हम मान लेते हैं एक खलनायक रहे हैं वो, परंतु जब रावण मरणासन्न है तब राम ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ उनसे ज्ञान प्राप्त करके आओ, और तब लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने, वहीं पर वो मर रहे हैं, वहां पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और रावण उनको कुछ सीख देते हैं। हम उन सीखों को
पता नहीं हम में से कितने लोगों को ये सारी बातें पता भी है, पता नहीं कितने लोगों को इन सब चीज़ों का बोध है, भास है। तो यह चीजें और भारतीय संस्कृति में मूल्यों का विकास, मूल्यों की स्थापना, मानव जीवन के अंतर संबंधों की स्थापना किस प्रकार से की गई, इन चीजों को लेकर के जो यह भारतीय सभ्यता विकसित हुई है, अब हम किसी आयातित संकल्पना के आधार पर जब हम अपने लिए मूल्यों का एक ढांचा खड़ा करते हैं, जब हम अपने लिए अलग अलग संकल्पनाओं के एक समूह को लेकर समझने की चेष्टा करते हैं, तो ये चीजें वास्तव में चिंता का विषय तो बनाती है। परंतु मैं आशा करता हूँ कि हम सभी, प्रवीण जी, हम सभी मिल करके इस दिशा में करें। क्यों हम मनोविज्ञान पढ़ते वक्त में सिर्फ पाश्चात्य जगत के मनोविज्ञान के ही उदाहरण हैं हमारे समक्ष में? मैंने कहा ना, लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस में छांदोग्य उपनिषद की ओर तो कोई मुंह भी नहीं करता। सत्यकाम जावाल के दृष्टांत का तो कोई मुंह नहीं, बस वो करता है कि उसको उसने स्टिमुलस दिया, रिस्पांस दिया, कुत्ते के मुंह से लार टपकी और बस हमारा ज्ञान वहां से आना शुरू होता है। तो ये चीजें तो हैं ही विसंगतिपूर्ण, और विसंगतियों में जीते लंबे वर्षों से, सदियों से जीते रहने की ऐसी आदत हो गई कि हम भी हो गए भाई चलो ठीक है, जो मिल रहा है वही करो ना। हम सब आइए, हम सब शोध करें इस दिशा में और इन चीजों को लाएं। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि भारतीय मनोविज्ञान, यह भी कितनी बड़ी विडंबना है कि नहीं, कि मनोविज्ञान उस ज्ञानानुशासन का नाम है जिसमें मन को हम पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, हम व्यवहार विज्ञान पढ़ते हैं और नाम है उसका मनोविज्ञान। कभी इस पर विचार करें हम सब कि क्या मनोविज्ञान में सिर्फ व्यवहार का विज्ञान ही होगा, सिर्फ व्यवहार का अध्ययन होगा? ठीक है, मन की परिणति, मन का प्रकटीकरण व्यवहार के माध्यम से होता है, लेकिन कभी कभी व्यवहार से निरपेक्ष भी मन का अपना अस्तित्व होता है और उसका प्रकटीकरण भी होता है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। तो इन चीजों पर समग्रता से विचार किए जाने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं बंधुवर कि एक पक्षीय तथ्य से नहीं, मनमर्जी चयन के आधार पर ना, बिल्कुल नहीं। हम क्यों ट्रॉफी मिली सियांको जैसे लोगों और उसके और मनमर्जी मदांध लोगों द्वारा स्थापित की गई चीजों से लूं? हमें सदैव देखिए, भारतीय परंपरा में शुरू से कहा गया है, युक्ति युक्तं वचो ग्राह्यं बालादपि शुकादपि, युक्तिहीनं वचो त्याज्यं वृद्धादपि शुकादपि। जो बातें युक्ति युक्त हो, युक्ति संगत हो, वो चाहे एक बालक बोल रहा हो, चाहे तोता बोल रहा हो, उसे ग्रहण करना चाहिए। युक्तिहीनं वचो त्याज्यं वृद्धादपि शुकादपि, और युक्तिहीन बात चाहे वो कोई बुजुर्ग बोल रहा हो, चाहे साक्षात सुखदेव जी बोल रहे हो, उसे त्याग देना चाहिए, उसे बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो हम अवश्य युक्ति संगतता की ओर बढ़ें और हम देखें, और हमारे पास भी प्रमाण है। आज धर्मपाल जी ने इतने वर्षों तक बैठ करके शोध करके वो कार्य किया, निकाला सामने अभी भी। पर दुर्भाग्य कितना है बड़ा कि जब हम कहते हैं द ब्यूटीफुल ट्री पुस्तक है, तो हम में से अधिकांश लोगों के मन में उसके लेखक के नाम पे जेम्स टूली का नाम आता है, जबकि जेम्स टूली की रचना में उसका विवेचन, कोई भी मतलब उसका खंडन या कुछ भी, उसके पक्ष विपक्ष की बात नहीं करना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने जब ब्रिटिश उसमें वहां पर लंदन में जब स्पीच दिया था, और उन्होंने जब कहा था, वहां उनका स्टेटमेंट था कि अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने हमारे इस शिक्षा के उस ब्यूटीफुल ट्री को ध्वस्त कर दिया, वहीं से धर्मपाल जी ने ब्यूटीफुल ट्री लेकर के उस पुस्तक की रचना की। और बहुत ही सधा हुआ काम किया उन्होंने कि वो अंग्रेज अधिकारियों के भेजे गए रिपोर्ट्स के आधार पर पूरी की पूरी किताब लिखी है। और तब आप पढ़िए और देखिए कि नकारात्मक सोशल इंजीनियरिंग जो की गई जबरदस्ती किसी विचारधारा को हावी होने देने के लिए, परत दर परत वो खुलती जाती है। मैं आप सभी से यह आह्वान करना चाहूंगा कि हम ऐसे शोध करें, और शोध में उस तब वो बात आएगी, थियरी ऑफ कोहेरेंस, थियरी ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी अभी क्या हो रहा है ना कि सिर्फ वो एक कहते ना कि 100 बार किसी झूठ को सच बोलो तो वो सच हो जाता है, अभी ऐसी चीजें हमारे समक्ष आती रही हैं। तो थोड़ा सा खंडन हम करें
और खंडन थोड़ा सा ही ना करें, लेकिन करें तो भरपूर करें, मगर थोड़ा अपनी कमर कस करके करें और बढ़िया बातें करें। और देखिए, हमारे पास तो ज्ञान का इतना समृद्ध भंडार और इतनी समृद्ध परंपरा रही है, उस चीज को हम आगे बढ़ाएं, निश्चित रूप से काम होगा, निश्चित रूप से भला होगा। अब हम लोग अगर अभी आजकल सूचनाओं की उपलब्धता भी बहुत अधिक है, तो इस दिशा में अगर कुछ किया जाए तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लाभप्रद तो होना ही चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, और उस दिशा में हम आगे बढ़ें। तो ये है। और अगर कुछ कहा जाए, सोमू जी, मैं पुनः कहूंगा, अगर कोई प्रश्न हो तो और पूछ सकते हैं, और वरना मेरा मोबाइल अब कभी भी धोखा देने वाला है। चलिए, तो ठीक है, फिर इसी बात पर यहां पर हम विराम देते हैं इस विमर्श को, और निश्चित रूप से आगे फिर कभी मौका मिलेगा और फिर कभी चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इतने लंबे समय तक सुनते रहने के लिए। फिर कभी मौका मिलता है, किसी और विषय पर फिर चर्चा करते हैं हम लोग। धन्यवाद।